नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की। बीच में दो दिन हम लोग क्लास नहीं ले पाए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था जिस कारण से क्लास नहीं ले पाए, और काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे मॉक टेस्ट को लेकर कि मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हैं। उनका भी मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उनको भी ज़्यादा चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। कल से उनको प्रॉपर रिप्लाई आ जाएंगे और उनको मॉक टेस्ट भी परचेज़ हो जाएंगे। आप भी अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको कई सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और हमारे क्लासेस के नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम क्रैकर में दोस्तों हम आज आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं एकेडमिक एप्टीट्यूड का। इसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में आएंगे। यह है भाग नंबर 9 एलटी एग्ज़ाम क्रैकर का, और इसके अलावा मॉडल पेपर में देखा जाए तो 12वें नंबर का दोस्तों मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें और 30 में से कितना स्कोर आता है ये भी ज़रूर कमेंट में बताएं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? According to Jean Piaget, the term used for cognitive structure is called मनोवैज्ञानिक उपकरण, आत्मसातकरण, समीपस्थ विकास क्षेत्र या फिर स्कीमा, साइकोलॉजिकल टूल्स, assimilation, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर स्कीमा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कीमा। तो Jean Piaget के अनुसार दोस्तों जो स्कीमा है इसी को ही संज्ञात्मक संरचना कहा जाता है, या मानसिक संरचना या फिर बौद्धिक संरचना, इनके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला ये दोस्तों एक शब्द है जिसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है, ये सूचनाओं को संगठित करते हुए उनकी व्याख्या करता है। द स्कीमा इज अ राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? अगर आप किसी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द बेस्ट टेक्निक? कक्षा में पढ़ाना, कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन, चार्ट का उपयोग करते हुए पढ़ाना, या फिर रेडियो के उपयोग करते हुए पढ़ाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कक्षा में पढ़ाना व्यक्तिगत अनुदेशन का उदाहरण नहीं है, ना ही आप चार्ट का उपयोग करते हुए पढ़ाएंगे तो व्यक्तिगत अनुदेशन की वहाँ पर संभावना है भी और नहीं भी। अगर आप किसी एक ही व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन चार्ट का प्रयोग करते हुए आप पूरी कक्षा को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपका सामूहिक अनुदेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद रेडियो का उपयोग करते हुए पढ़ाना, तो ये भी दोस्तों उसी कैटेगरी में आ जाता है कि यहाँ पर भी व्यक्तिगत अनुदेशन संभव नहीं। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडिट इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर की मदद से आपने पढ़ाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन की मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत अनुदेशन दे सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें आप एक ही समय पर कई विद्यार्थियों को एक साथ अनुदेशन दे सकते हैं और व्यक्तिगत अनुदेशन दोस्तों इसमें मिल जाएगा। इसमें जो छात्र है उसकी अचीवमेंट के बारे में उसे पता लगता रहता है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है, उसको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। तो पूरी तरह से दोस्तों ये व्यक्तिगत अनुदेशन की टेक्निक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अभिप्रेरणा चक्र के किस घटक के परिणाम स्वरूप दैहिक अथवा मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? तो जब मोटिवेशन साइकिल है उसमें आप ये बताइए कि कब आपके दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद या फिर प्रेरक। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोत्साहन। प्रोत्साहन दोस्तों जब आपको मिलता है तो तब आपके फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में आप आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होती है। देखिए, जैसे कोई भी अगर आप साइकिल की जैसे हम बात करते हैं अभिप्रेरणा साइकिल की, तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? हमें आवश्यकता पैदा होती है। ठीक है, फिर आवश्यकता के कारण दोस्तों हमारे अंदर क्या होता है? ड्राइव, अंतर्नोद पैदा होता है। ठीक है, अब अंतर्नोद ही हमेशा क्या करता है? तनाव को व्यक्त करता है
और प्राणी को क्रिया करने के लिए भी ये दोस्तों क्या करता है, प्रेरित करता है। अब इसके बाद आपको क्या है कि इसके बाद जब आपको प्रोत्साहन मिलेगा, जब आपको प्रोत्साहन मिलेगा तभी जाके दोस्तों आपका क्या होगा, ये आपकी जो आवश्यकता है वो दोस्तों आपकी संतुष्ट होगी और अंतर्निहित को समाप्त करेगी। बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं कि आपको भोजन की आवश्यकता है तो भोजन से आपका भूख नाम का अंतर्नोत काम करेगा, इससे आपको तनाव पैदा होगा, फिर भूख को पाने के लिए आपको प्रेरणा मतलब आप एक तरह से एक ड्राइव चालक आपको मिलेगा। जैसे ही आपको भोजन मिल जाएगा तो वैसे ही दोस्तों आपका जो ये दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन है उसकी पुनः स्थिति हो जाएगी, यानी कि भूख नामक जो चालक है वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो आवश्यकता है वो आपकी संतुष्ट हो जाएगी, यानी कि आपको भोजन की आवश्यकता थी तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली दैहिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन स्थिति की पुनः प्राप्ति होना वो कब है, जब आपको इंसेंटिव मिल जाएगा तो दोबारा से आप अपनी पुनः सही पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो इंसेंटिव क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व मापन के लिए समाज मिति का विकास किसने किया, गॉल्टन, मोरेनो, मॉर्गन या फिर वुडवर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरेनो के द्वारा दोस्तों इस मेथड का आविष्कार किया गया था 1934 में, तो इसको याद रखेंगे। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है, इसको हम कई बार दोस्तों बता भी चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। तो व्हाट इज कॉल्ड टू यूज अनकॉन्शियस माइंड टू रिड्यूस स्ट्रेस, अगर आपको तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना आपका रक्षात्मक युक्तियों का दोस्तों उदाहरण है, इसको हम रक्षात्मक युक्तियाँ या फिर डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है, या डिफेंसिव स्ट्रैटेजी या डिफेंस मैकेनिज्म दोस्तों इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वही होता है कि भाई अचेतन मन के व्यक्ति है उसको वास्तविकता से दूर ले जाकर उसमें समायोजन स्थापित करता है या फिर एडजस्टमेंट स्थापित करवाता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE का प्रमुख होता है, ये भी दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है, NCTE का प्रमुख कौन होता है ये दोस्तों आपने बताना है। तो जो NCTE का प्रमुख है वो कौन होता है दोस्तों, अगर आप इनमें से ऑप्शन देखें तो निदेशक, समन्वयक, सचिव या फिर अध्यक्ष, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष है दोस्तों वही प्रमुख होता है। ठीक है, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं इनका ध्यान रखना नाम पंकज अरोड़ा, ठीक है, तो ये इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष फिलहाल कौन है, पंकज अरोड़ा, और अध्यक्ष इनके क्या होते हैं, सबसे प्रमुख होते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्य रूप से शिक्षक शिक्षा नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली इन्वॉल्व विद टीचर एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स। तो आपने देखना है कि कौन खासकर इन्वॉल्व है टीचर एजुकेशन पॉलिसी से और क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो CBSE, ICSSR, NCERT, SCERT, NCTE, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या क्या होना चाहिए इसमें, NCERT, SCERT और NCTE, यही बेसिकली दोस्तों आपके क्या हैं, जो टीचर एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल से दोस्तों जुड़े हुए हैं, खासकर टीचर्स की दोस्तों बात हो रही है, तो हिसाब से क्या होना चाहिए, 3, 4, 5 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, UGC द्वारा प्रोफेसर ए ज्ञानम के संग इसके संयोजक के रूप में नियुक्त की गई शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा उत्पन्न कार्य योजना में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल था, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इंक्लूडेड इन द एक्शन प्लान जनरेटेड बाय एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी अपॉइंटेड बाय UGC विथ प्रोफेसर ए ज्ञानम एज अ कन्वर्नर। तो बताना है कि इसमें से कौन कौन सी सिफारिशें दी गई, बेसिकली आपने यही बताना है, तो चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण,
वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, पाठ्यक्रम विकास करिकुलम डेवलपमेंट, या एक सेमेस्टर के दौरान छात्र शिक्षक संपर्क घंटे की संख्या का निर्णय लेना, डिसाइडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर कंटेंट आवरिंग ड्यूरिंग अ सेमेस्टर, या फिर कौशल आधारित पाठ्यक्रम और कार्यक्रम स्किल बेस्ड कोर्स एंड प्रोग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो यूजीसी के अध्यक्ष ने शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार पर एक समिति का गठन किया था, और जिसमें जो प्रोफेसर ज्ञानम थे इनको संयोजक दोस्तों इसमें बनाया गया था। ठीक है, और यूजीसी का पत्र दोस्तों ये 2008 में दोस्तों जारी किया गया था। तो समिति के द्वारा दोस्तों कुछ शैक्षणिक सुधार दोस्तों बताए गए थे, जिससे पहला इसमें यही था कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा दूसरा था सेमेस्टर प्रणाली। तो एक तो हो गया आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा था दोस्तों आपका सेमेस्टर प्रणाली, इस पर दोस्तों इनकी राय थी। ओके, इसके अलावा तीसरा था कि पाठ्यक्रम विकास, इस पर दोस्तों इन्होंने अपनी राय दी थी। ठीक है, ये कुछ आपके फील्ड थे। इसके अलावा प्रवेश प्रक्रिया के बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, इसमें भी इन्होंने सुझाव दिए थे, और कुछ परीक्षा सुधार से संबंधित भी इनके सुझाव थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर इन ऑप्शंस में देखें तो जो दूसरा है और पांचवा है वो फिट नहीं बैठता है, तो 1, 3 और 4 इसमें फिट बैठते हैं, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन यूजीसी के इरादों को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इंटेंशन ऑफ यूजीसी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एट द कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि जो करिकुलम है उसके बारे में यूजीसी के क्या विचार हैं या क्या उसके इंटेंट है। ठीक है, बेसिकली पाठ्यक्रम को जीवन स्थितियों से जोड़ना चाहिए, पाठ्यक्रम को हर साल बदलना जाना चाहिए, यदि संभव ना हो तो हर 3 साल में, पाठ्यक्रम सामग्री केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से से विकल्प आधारित प्रणाली होनी चाहिए, सत्रीय पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों के सार्थक जुड़ाव को और अधिक प्रदान, सत्रीय पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के सार्थक जुड़ाव को और अधिक प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इनके कुछ आपके विकल्प दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से आपका कौन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाता है आपका डी। ठीक है, 2, 4 और 5, ठीक है, बिल्कुल सही है, 2, 4, 5। तो 2, 4, 5 में देखिए कौन कौन सा बैठता है, ये आपका ये वाला, पाठ्यक्रम को हर साल बदला जाना चाहिए, यदि संभव ना हो तो हर 3 साल में, इसके अलावा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से में विकल्प आधारित प्रणाली होनी चाहिए, एंड इसके अलावा सत्रीय पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के सार्थक जुड़ाव को और अधिक प्रदान करता है। ठीक है, बेसिकली यही इनके पाठ्यक्रम को लेके नियम है कि पाठ्यक्रम को आप हर साल बदलिए, अगर नहीं बदल सकता करिकुलम को चेंज करिए एवरी ईयर, इफ इट इज़ नॉट एवरी ईयर देन कम से कम 3 साल में तो चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा देयर शुड बी अ चॉइस बेस्ड सिस्टम फॉर पार्ट इन द यूनिवर्सिटी करिकुलम, यानी कि विकल्प आधारित जो क्रेडिट प्रणाली है इसको भी आपने क्या करना है, विश्वविद्यालय का हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, और सत्रीय पाठ्यक्रम का मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी सेमेस्टरीकृत पाठ्यक्रम होगा जिसमें सेमेस्टर होंगे वो शिक्षार्थी को और अधिक सार्थक जुड़ाव प्रदान करता है, यही दोस्तों इसका अर्थ है। तो 2, 4 और 5, तो 2, 4, 5 इसी ऑप्शन को मैं ढूंढ रहा था, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय पुनर्वास परिषद के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है?
चेक करें तो कौन आएगा, तो इसके राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, डॉक्टर सरनजीत कौर। तो अभी फिलहाल आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन है, डॉक्टर सरनजीत कौर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो शिक्षा पर केंद्र और राज्य को सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है दोस्तों, सीएबीई। ठीक है, सो सीएबी यानी कि कैब, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, सीएबी या आपका केंद्र पर शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने वाला सर्वोच्च निकाय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। द मेन फीचर्स, द मेन फंक्शन ऑफ एनसीटी, विभिन्न शिक्षण विधियों पर शोध करें और उन्नत तकनीक का उपयोग करें, रिसर्च ऑन वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा और सेवा में उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना, इम्प्लीमेंट प्री सर्विस एंड इन सर्विस एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी निजी संस्थानों के लिए अपनी सेवाएं बढ़ाएं और प्रदान करें, एक्सपेंड एंड प्रोवाइड इट्स सर्विस टू वेरियस गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करना और इसे सभी राज्यों में बढ़ावा देना, डेवलप द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्रमोट इट इन ऑल द स्टेट्स। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आप बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट दोस्तों होना चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का जो यहाँ पर प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, रिसर्च ऑन वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन प्री सर्विस एंड इन सर्विस एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर, इसके अलावा जो विभिन्न आपके राज्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आपके संगठन हैं इनके संग आपने क्या करना है, सहयोग करना है, सेवा बढ़ाना है और उनको प्रदान करना है। ठीक है, ये भी इसका एक वो है, लेकिन उच्च शिक्षा से संबंधित, उसके विकास करने से संबंधित इनका उद्देश्य नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1961 में दोस्तों आपका एनसीईआरटी को एस्टैब्लिश किया गया था और ये आपका एक स्वायत्त संगठन है, इसको आपने ध्यान में रखना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन में ईआरआईसी एक इकाई है। तो ईआरआईसी किसकी इकाई है, एनसीईआरटी, एनसीटीई, एनआईईपीए या फिर एनआरएफ। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी की दोस्तों ये इकाई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, एवं नवाचार समिति। ठीक है, तो शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, इसको ईआरआईसी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। एनसीईआरटी की दोस्तों ये आपकी एक स्थायी समिति है। ठीक है, बेसिकली क्या करती है, विद्यालय और जो शिक्षक शिक्षा है इसमें अनुसंधान को दोस्तों बढ़ावा देती है। ठीक है, तो एरिक या ईआरआईसी ये आपके शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित जितने भी मेले हैं उनका भी दोस्तों लगातार ये आयोजन करती रहती है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो विभागों को दिया जाएगा तो वे मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, विद्यार्थी की प्रगति और विशेषता का प्रतिबिंब होगा, विद्यार्थियों के प्रदर्शन उसके सहपाठियों की तुलना के रूप में प्रस्तुत करेगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट विल रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस एंड स्पेशलिटी ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की प्रगति और विशेषता का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हेतल घर में गुजराती बोलती है, इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है, उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। एनईपी 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, बहुभाषावास की संस्कृति से
करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अध्यापकों को हितल से कहना चाहिए उसने जो भी कुछ सीखा है घर में उसे भूल जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आसान है इसका प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुभाषा की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया 1995, 1999, 2016, 1992। देखिए अभी की मैं बात करूँ तो आज के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जो ये आपका विकलांग व्यक्तियों का जो अधिकार अधिनियम है दोस्तों, जिसको कि हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बोलते हैं दोस्तों, ये 1995 को रिप्लेस करके 2016 दोस्तों प्रतिस्थापित हुआ है, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपकी 7 कैटेगरी थी उस समय पे विकलांग की, उसको बढ़ाकर 21 किया गया है। तो 2016 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत पालना, नए के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों इसको पूछा गया है, तो नए के कॉन्टेक्स्ट में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये हो जाएगा आपका 2016, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 1992 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, K.C. पंत, डॉक्टर A.L. मुदालियर या फिर S. राधाकृष्णन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, L. मुदालियर, ठीक है। 23 सितंबर 1952 में, ठीक है, 23 सितंबर 1952 को दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर, इनको दोस्तों उस समय पर जो कि कुलपति थे मद्रास विश्वविद्यालय के, तो फिर उसके बाद इन्हीं को दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था माध्यमिक शिक्षा का आयोग का, इसी कारण से इसको मुदालियर आयोग भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में ताराचंद समिति ने सिफारिशें प्रदान करी थी? छात्र शांति, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा। देखिए राधाकृष्णन आयोग के तुरंत बाद दोस्तों वहीं पर ही ताराचंद समिति का भी दोस्तों गठन किया गया था 1948 में, और इनका भी दोस्तों मेन उद्देश्य यही था कि जो माध्यमिक शिक्षा है उससे संबंध में अपनी सिफारिशें देना, ठीक है। हालांकि इसके बाद फिर जो इनकी सिफारिशें थी उनमें से कई को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर बाद में दोस्तों फिर एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम मुदालियर आयोग है, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित ताराचंद समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी। अगला देखेंगे, स्थापना के वर्षों में समावेशी शिक्षा में वृद्धि करने के लिए NCERT द्वारा कौन सी नवीन सामग्री विकसित की गई है? बरसा, बरखा, बरछा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा यानी कि सभी का समावेशन, ठीक है, चाहे कैसा ही छात्र हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, या फिर आपका कोई अपराधी श्रेणी में आता हो, ठीक है, या फिर किसी भी कोई समस्यात्मक बालक हो, ठीक है, या डेलिकेट चाइल्ड हो, ठीक है, किसी भी तरह का जो चाइल्ड है उसको मुख्य धारा में जोड़ना है तो समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है, जो कि सामान्य से अलग है वो बालक को सिंपली जोड़ना है, ठीक है। तो बरखा दोस्तों ये NCERT की एक पहल है, ये नवीन सामग्री दोस्तों विकसित की गई है। तो जो बरखा है उसका प्रारंभिक लक्ष्य वही है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, यह प्राथमिक शिक्षा है, इसमें जो दृष्टिबाधित छात्र हैं या कम दृष्टि वाले छात्र हैं उनके लिए सुलभ शिक्षण प्रणाली विकसित करनी है, शिक्षण सामग्री को विकसित करना है, ठीक है। तो यही बरखा का मेन उद्देश्य है। तो स्थापना के वर्षों में ही समावेशी शिक्षा में वृद्धि करने के लिए जो आपके स्टार्टिंग के जो ईयर होते हैं या बेसिकली फाउंडेशन ईयर्स की हम बात करते हैं तो कौन सी होती है? प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में ही समावेशी शिक्षा को बढ़ाना है तो उसके लिए जो दृष्टिबाधित छात्र हैं या फिर दृष्टिहीन छात्र हैं उनके लिए इनके द्वारा एक स्पेशल जो स्टडी मटेरियल है उसको विकसित किया गया है, ठीक। तो बेसिकली यही बरखा का लक्ष्य है। तो ये बरखा सामग्री NCERT के द्वारा विकसित की गई। अगला देखेंगे, NCF 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर या फिर समस्या को हल करने पर? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, जो NCF 2005 है ये आपको क्या है,
कि करके सीखने पर दोस्तों बल देता है। ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एनसीएफ जो 2005 है, इसका जो मेन उद्देश्य वही है कि ये करके सीखने पर दोस्तों बल देता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों को स्कूली शिक्षा से जुड़ी होनी चाहिए, वार्षिक परीक्षाओं से, स्कूल के बाहर के परिवेश से, मुख्यधारा की राय से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल के बाहर के परिवेश से, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर आपने देखे होंगे जो एनसीएफ 2005 है, इसके जो मुख्य 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, तो उसमें पहला सिद्धांत यही है कि स्कूल को बाहर के जीवन, स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान जोड़ना, ज्ञान को जोड़ना। तो स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, थोड़ा राइटिंग के लिए माफ करना। तो स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। तो स्कूल के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, यही आपका क्या है, सिद्धांत है। तो वही है, तो स्कूल के बाहर के परिवेश से बच्चों की स्कूली शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए, यही दोस्तों यही वो है। तो बच्चों की स्कूली शिक्षा स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। एनसीएफ 2023 के अनुसार हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ 2023 में इसका उद्देश्य क्या है, तो एनसीएफ 2023 में रटने की क्षमता को मापने के लिए बढ़ावा देना, उच्च स्तरीय कौशल और सीखने को बढ़ावा देना, छात्रों में तनाव बढ़ाना, या फिर योगात्मक आकलन पर ध्यान केंद्रित करना। बड़ा आसान है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो देख लीजिए, उच्च स्तरीय कौशल और सीखने को बढ़ावा देना, यानी कि टू प्रमोट हायर ऑर्डर स्किल एंड लर्निंग। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला देखेंगे एनसीएफ 2023 में मूल्यांकन के लिए उल्लिखित 3 दृष्टिकोणों में से क्या है। सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए और सीखने के बाद, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण का मूल्यांकन। अगला है सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक और आत्ममूल्यांकन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। सो दिस विल बी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। अगला देखेंगे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन है आपके सामने 1920, 1935, 2004 या फिर 1992। तो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 1920। 1920 में दोस्तों आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। भारत सरकार का दोस्तों सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है दोस्तों ये, ठीक है। 1920 में इसको स्थापित किया गया था, 1923 में दोस्तों इसको भंग कर दिया गया था, फिर 1935 में इसको पुनर्जीवित दोस्तों किया था। तब से दोस्तों आज तक ये चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या फिर CBSE है, ठीक है, सभी को दोस्तों ये क्या देता है, शिक्षा के मामले में अपनी सलाह देता है, ठीक है। तो सर्वोच्च दोस्तों सलाहकार निकाय है, 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखेंगे स्टैनफोर्ड बिने स्केल में एक व्यक्ति के निम्नलिखित गुण को मापा जाता है। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल, इसमें क्या मापा जाता है दोस्तों, बौद्धिक सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति या फिर व्यक्तित्व। तो वी नो दैट कि इसमें क्या नापते हैं दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिने स्केल में आप दोस्तों बुद्धि को मेजर करते हैं, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने, इसका आविष्कार किसके द्वारा दोस्तों किया गया था, टर्मेन के द्वारा 1916 में, ठीक है। तो 1916 में टर्मेन के द्वारा दोस्तों इसका विकास किया गया और पहली बार IQ का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। IQ बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ठीक है। तो पहली बार ये IQ फॉर्मूला यूज़ किया गया, ठीक है। हालांकि जो IQ का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था 1912 में,
लेकिन इसका यूज सही तरीके से किसने किया, स्टैनफोर्ड, इसका किया टर्मेन ने, और इस परीक्षण को नाम बोला जाता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, क्योंकि इन्होंने जो बिने, अल्फ्रेड बिने और जो साइमन है, इनके द्वारा जो बनाया गया टेस्ट था जो कि 1905 था, उसी में आवश्यक संशोधन किया था, तो टर्मेन के द्वारा इसको संशोधित किया गया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो तभी इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने स्केल पड़ गया। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। निम्न विचारकों में से किसे रचनावाद से जोड़ा जा सकता है, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, गिजुभाई बदेखा या फिर उपरोक्त में से कोई भी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कैन बी एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिजुभाई बदेखा। गिजुभाई बदेखा दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दर्शन आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक स्ट्रक्चरिज्म की तरह था, एक संरचनावादी की तरह दोस्तों था। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे इनके दृष्टिकोण थे जो कि संरचनावाद की ओर को इशारा करते हैं, तो एक तो क्या था, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, ये चाहते थे कि जो आपकी शिक्षा है वो पूरी तरह से बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि करके सीखना, गतिविधि के माध्यम से सीखना, ये इनका इनका प्रमुख सिद्धांत था। इसके अलावा इन्होंने प्राकृतिक अधिगम की प्रकृति के बारे में दोस्तों बात करी। ठीक है, इसके अलावा एक शिक्षक है उसको एक सुविधाता के प्रदाता के रूप में माना। ठीक है, तो शिक्षक को एज ए फैसिलिटेटर माना इन्होंने। ठीक है, और देखा जाए तो इनके उसमें चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन की भी एक तरह से झलक दिखाई देती है। तो यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि ये एक संरचनावादी थे। तो संरचनावादी के विचारों से दोस्तों गिजुभाई बदेखा के विचारों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो गुजरात के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे गिजुभाई बदेखा, जिनको कि गिज्जू भाई के नाम से जाना जा सकता है, या इनका पूरा नाम है गिरजा शंकर बदेखा। ठीक है, तो इसको आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है, अनुसूचित जातियों का उत्थान, गरीब लोगों का पुनर्वास, महिलाओं की शिक्षा या फिर झुग्गी के बच्चों की शिक्षा। तो इनका अत्यधिक योगदान दोस्तों है महिलाओं की शिक्षा में। तो सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने कि महिलाओं की शिक्षा में अपना एक अतुलनीय योगदान दिया है, भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी दोस्तों ये जानी जाती हैं। ओके, और इनके जो पति थे ज्योतिराव फुले, इनके संग मिलकर इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनका जीवन बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इस कारण से इनको काफ़ी जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने अपने पति के संग 1848 में, जैसा कि मैं आपको कई बार ये दोस्तों बता भी चुका हूँ, भारतीय बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने। पहला ये बालिका विद्यालय था पुणे में। ठीक है, तो जो कि जिस समय पर बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला देखेंगे 28वां प्रश्न। किस दार्शनिक को आदर्शवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा ऐसा दार्शनिक है जिसको आदर्शवाद के जनक के रूप में जानते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। प्लेटो दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आदर्शवाद के दोस्तों जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इन्होंने सिंपली यही माना है कि जो विचार हैं वही एकमात्र सच्ची वास्तविकता है, तो इनके लिए रियलिटी विचार है, विचार ही ये जगत है। और इनकी पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें भी दोस्तों इनके विचारों के बारे में पता चलता है। तो दार्शनिक जो कि आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, प्लेटो। अगला देखेंगे, किसने यह स्वीकार किया कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, यानी कि एजुकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी। अब जहाँ पर दोस्तों समाजवादी दृष्टिकोण आता है, तो फिर वहाँ पर बेसिकली क्या आता है, वहाँ पर प्रयोजनवाद आता है। ठीक है, तो जहाँ पर शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, तो आप समझ लीजिए कि जहाँ पर प्रयोजनवादी कौन होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन डीवी। ठीक है, तो जो जॉन डीवी थे, इन्होंने सिंपली यही बोला कि जो शिक्षा है वो सामाजिक
आवश्यकता है, ठीक है, और इसलिए दोस्तों यहाँ पर सामाजिक आवश्यकता होने के नाते समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा एक आपकी क्या है, सामाजिक आवश्यकता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अरविंदो घोष का जन्म कब हुआ, अरविंदो घोष का जन्म कब हुआ, 1872, 74, 76 या फिर 79। तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1872। अरविंदो घोष, इनका जन्म हुआ था मोर प्रिसाइसली 15 अगस्त 1872। 15 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद कर सकते हैं, भारत की आज़ादी का की तारीख, ठीक है, 15 अगस्त, लेकिन 1872। तो 15 अगस्त 1872 अरविंदो घोष का दोस्तों जन्म हुआ था, कलकत्ता में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये एक दार्शनिक, कवि, योगी, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रवादी थे, ठीक। तो ये दोस्तों अरविंदो घोष का जन्म डेट 15 अगस्त 1872। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।